alaikum students. Let's discuss the solubility of carbonates, sulphates, and hydroxides of alkaline earth metals down the group. That what happened when we go down the group in alkaline earth metals to the solubility of carbonates, sulphates, and hydroxide. So students, as I have uh, discussed in detail some of the properties like lattice energy. Heat of hydration and their relationship with charge density, their relationship with solubility. So, before going to this, you should know these points that what happened when we go down the group. What happened when we go down the group? So, sub say important point क्या what is the size kya ho raha hai? increase? Ho raha hai. When we go down the group, size increases. पॉजिट प्लस टू बनाता है लेकिन साइज इंक्रीज़ हो रहा है और साइज की इंक्रीज होने की वजह से आप सबको पता है कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी कम होगी चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज टू साइज रेशो सो वी शुड नो अबाउट दिस फर्स्ट लेटेस्ट एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी जब केठाइन और एनाइन के चार्ज ज़्यादा हो साइज कम हो सो so ऑब्वियसली उनकी लेटिस इनर्जी ज़्यादा होगी जब लेटिस इनर्जी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस ईजिली सपरेट नहीं होंगे जब आयोनाइजेशन ईजिली नहीं होगी तो क्या कम होगी सैल्युबिलिटी इट मीन्स लेटेस्ट इनर्जी सेलुबिलिटी को क्या है इनवर्सली रिलेटेड है सो फर्स्ट तो आपको दो ये दो पॉइंट्स समझ में आने चाहिए द सेकंड वन हीट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी जब कोई कैठाइन चार्ज डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है इट कैन डिवेलप मोर अट्रैक्शन विद वाटर ड्यू टू विच मोर एनर्जी इज रिलीज एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा सो इट मीन्स हीट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू वट सेल्युबिलिटी तो जितना इंथालपी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा उतना सेल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी और दोनों का रिलेशन लेटेस्ट एनर्जी और हीट ऑफ हाइड्रेशन दोनों का रिलेशन चार्ज डेंसिटी के साथ क्या है डायरेक्ट है लेकिन दोनों का रिलेशन सेल्युबिलिटी के साथ अपोजिट है लेटेस्ट एनर्जी सेल्युबिलिटी के लिए क्या है बेरियर और यहाँ पर यह सैल्युबिलिटी को क्या करता है फैसिलिटेट करता है ये इसको डिसफेवर करता है सो नाउ लेट्स डिस्कस वट हैपन वेन वी गो डाउन द ग्रुप तो स्टूडेंट्स जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट बेरीलीम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सट्रा देन बेरीलीम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट देन बेरीलीम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट. सो व्हाट हैपन इज वी गो डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि बेरीलियम आइन है तो यहाँ पर मैग्नीशियम आइन है यहाँ पर कैल्शियम आइन है तो एज वी गो डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो जब चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो क्या कम हो रही है डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स क्या कम हो रही है लेटेस्ट एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि सेल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इट इज़ एक्चुअली बेरियर टू सेल्युबिलिटी लेकिन लेटेस्ट एनर्जी के साथ साथ क्या कम हो रहा है इंटाइल ऑफ हाइड्रेशन भी क्या हो रही है कम हो रही है बिकॉज बोथ दीज क्वान्टिटीज बोथ दीज फिना आर डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी तो जब डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो so, क्या कम हो रहा है लेटेस्ट इनर्जी एज वेल एज हीट ऑफ हाइड्रेशन तो ये इनका कम होना सेल्यूबिलिटी को फेवर करता है लेकिन इनका कम होना सेल्यूबिलिटी को डिसफेवर करता है नाउ देर इज दिन केमिस्ट्री देर इज द कंपिटिशन बिटवीन एनी टू फैक्टर्स सो नाउ वी विल सी दैट विच वन इज डोमिनेंट जैसा कि आप बायो में भी कहते हैं कि डोमिनेंट जीन्स का करेक्टर शो होगा रिसिस का शो नहीं होगा सो देर आर टू करेक्टर्स एट अ टाइम बोथ आर डिक्रीजिंग सो नाउ वी विल सी दैट इन विच केस विच वन डोमिनेट

वो हीट ऑफ हाइड्रेशन की बनस्बत क्या है ज्यादा है यानी एनर्जी मजीद कम हो रही है तो जब लेटिस एनर्जी ज्यादा कम है लेटिस एनर्जी इज लेस देन हीट ऑफ हाइड्रेशन एज वी गो डाउन द ग्रुप। सो विल इट विल फेसिलिटेट दल्यूबिलिटी एंड द सेल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इनक्रीज डाउन द ग्रुप सो इट इज़ द लीस्ट सेल्युबल एंड एट दॉटम द मोस्ट सेलुबल बट इन केस ऑफ कार्बोनेट्स एंड सल्पेट द प्रैक्टिकल एनालिस हैज़ शोन देट इज वी गो डाउन द ग्रुप द सेल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड सेल्फेट गोइंग टू डिक्रीज सेल्युबिलिटी क्या हो रही है कम बल्कि जो बेस्ट वे है फॉर एग्जाम्पल बेरियम कार्बोनेट या यहाँ पर है बेरियम सेल्फेट दे आर आलमोस्ट तकरीबन आई एम यूजिंग आलमोस्ट वाटर में क्या है इन इट मीन डाउन द ग्रुप लेटेस्ट एनर्जी तो कम हो रही है लेकिन उसके मुकाबले में हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है यहां पर जो डामिनेंट फैक्टर है वो क्या है कि द डिक्रीज इन डेल्टा एच ये तो एक्सोथर्मिक है ना द डिक्रीज इन डेल्टा एच इज मोर देन इज मोर देन लेटिस इनर्जी अगर लेटिस इनर्जी ज़्यादा कम होती तो सोलिबिलिटी ज़्यादा होती लेकिन यहाँ पर क्या कम हो रहा है एग्जोथर्मिक लेटिस इनर्जी नीचे जा रही है या फॉर या, एग्जांपल यहाँ पर माइनस हंड्रेड जूल इनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ पर माइनस पचास माइनस चालीस माइनस तीस तो जब हीट ऑफ हाइड्रेशन एग्जोथर्मिक क्वान्टिटी है मैं नेगेटिव में कह रहा हूँ की इनकी क्वान्टिटी निगेटिव में अगर कम हो रही है इट मीन इट विल डिसिटी सो यहां पर नीचे जब हम जाते हैं तो सैल्यूबिलिटी किस वजह से कम होती है ड्यू टू डिक्रीज इन हीट ऑफ हाइड्रेशन और यहां पर ड्यू टू डिक्रीज इन लेटेस्ट इनर्जी सेल्यूबिलिटी क्या हो रही है ज्यादा हो रही है सो यह हियर वी शुड नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लेटेस्ट इनर्जी हीट ऑफ हाइड्रेशन विध चार्ज डेंसिटी एंड वट है डाउन द ग्रुप थैंक यू